बॉक्स नमस्ते आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मीनाक्षी चौधरी और वेलकम टू आवर चैनल बूम बॉक्स। तो दोस्तों, आपको जैसा कि पता है कि कोरोना की सेकंड वेव, जो कि अपन कहते हैं सेकंड लहर, वो आ चुकी है इंडिया में। और आप आए दिन देख रहे होंगे कि डेली कभी केसेस काफ़ी, मतलब अगर आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बढ़ते जा रहे हैं कोरोना के केसेस। और जैसा कि आपको पता है कि सेकंड वेव फर्स्ट वेव से ज़्यादा डेडली होती है। डेडली मतलब आप पिछला जो पुराना इतिहास उठा के देख लीजिए, जब 1919 में स्पेनिश फ्लू आया था, उस टाइम पे फर्स्ट वेव से ज़्यादा सेकंड वेव ने ज़्यादा इफेक्ट करा था लोगों को। मतलब आपको पता है जैसा काफ़ी करोड़ में, मतलब 1,80,00,000 अराउंड 2 लोगों की डेथ हो चुकी थी उस टाइम पे। तो आपको पता है कि कोरोना वैक्सीन भी आ चुकी है अपनी, है वो लोगों को लगना स्टार्ट हो चुकी है और करीब 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वो लग भी चुकी है फर्स्ट डोज उसकी। और अब जो सेकंड ऑप्शन निकला है, पहले तो 60 साल से ऊपर के लोगों को था, लेकिन अब 45 साल से ऊपर के लोगों को भी कोरोना वैक्सीन लगना स्टार्ट हो चुकी है। तो आप में से आपके घर वाले या फिर कोई भी हैं वो कोरोना वैक्सीन लगवाने की इंतजार में होंगे या फिर लगवाना चाह रहे होंगे, तो हम इस वीडियो में इसी बारे में डिस्कशन करने आए हैं कि कोविड वैक्सीन लगवाने से पहले और लगवाने के बाद हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपन कि कोविड वैक्सीन लगाने से पहले अपने को क्या क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहली बात, अगर आपको किसी भी तरीके की कोई बीमारी है या फिर किसी भी तरीके से कुछ भी दिक्कत है, तो आप सबसे पहले जो कोरोना वैक्सीन लगा रहे हैं उससे उसके बारे में पूरा डिस्कशन कर लें। मतलब पूरा उसको पता होना चाहिए कि आपको ये परेशानी और ये परेशानी नहीं। अगर आपको किसी भी दवा से एलर्जी है, तो अपने डॉक्टर से इसकी सलाह लें कि कोरोना टीका हम लगवा सकते हैं या नहीं लगवा सकते हैं। अगर आप चाहें तो कंप्लीट ब्लड काउंट CBC और CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन, और IgE इम्यूनोग्लोबिन की भी जांच करवा सकते हैं टीका लगवाने से पहले। तो दोस्तों, अगर आपको किसी टीकाकरण से पहले किसी दवाई का सेवन करने के लिए डॉक्टर ने कहा है, तो इसको ज़रूर खाएं और बिल्कुल सहज रहें, सामान्य रहें, किसी भी तरीके का टेंशन ना लें, हाइपरटेंशन ना लें। अगर आप डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर या फिर इस तरीके की किसी भी बीमारियों से ग्रसित है, तो आपका जो BP है और जो ब्लड शुगर है वो एक सामान्य स्तर पे ना आ जाए, तब तक आप टीकाकरण नहीं करवाएं। और जो आप रेगुलर दवाइयां ले रहे हैं, वो उस बारे में भी उस टीकाकरण लगवाने से पहले उसे पूरी इन्फॉर्मेशन दें कि मैं ये दवाइयां रोज़ाना लेता हूँ, लेती हूँ और ये दवाइयों का सेवन कर रहा हूँ। कैंसर के मरीज जिनका कीमोथेरेपी चल रहा है या फिर कीमोथेरेपी कंप्लीट हो चुकी है और वो कैंसर मुक्त हो चुके हैं, उनको भी एक बार अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए कि हम ये वैक्सीन लगवा सकते हैं या नहीं। जैसा कोरोना के इलाज के दौरान जिनके ब्लड प्लाज्मा या मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज चढ़ाया गया हो या पिछले 1.5 महीने में वो कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, तो उन्हें अभी वैक्सीन नहीं लेना चाहिए। जिन्हें किसी भी तरीके से सुई से एलर्जी हो या फिर किसी दवाई से एलर्जी है, उन्हें फिलहाल के लिए कोरोना वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। या फिर वैक्सीन लगवाने से पहले एक बार डॉक्टर से परामर्श, अपने जो डॉक्टर है उससे परामर्श कर लें। अगर आपको कोरोना वैक्सीन लगने वाली है, तो उससे 3 से 4 दिन पहले आप कसरत करना स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि आपकी जो वैक्सीन है वो अच्छे से काम कर सके और आपका इम्यून सिस्टम अच्छे से डेवलप हो सके। वैक्सीन लगने से पहले सेहतमंद खाना खाना ज़रूरी होता है, ताकि अपना बॉडी फंक्शन है वो अच्छे से काम कर सके और अपनी बॉडी को पानी और ताज़ा फलों के रसों से हाइड्रेटेड रखना ज़रूरी है। और 24 घंटे पहले से ही अपनी नींद, वैक्सीन लगने से 24 घंटे पहले से ही अपनी नींद पूरी रखें। तो दोस्तों, अब तो बात हो चुकी है वैक्सीन लगने से पहले क्या करना चाहिए, अब हम बात करते हैं वैक्सीन लगने के बाद क्या करना चाहिए। अगर आपको वैक्सीन लगी है और डॉक्टर वहाँ रुकने के लिए बोलता है, वेट करने के लिए बोलता है, तो वैक्सीन लगने के बाद आप वहाँ पे वेट करिए, ताकि डॉक्टर ये देख सके कि आपके शरीर में कोई चेंजेस तो नहीं हो रहे, ताकि वो किसी भी तरीके का अगर चेंजेस हो रहा है तो उसको तुरंत के तुरंत वहीं हैंडल कर लें।
वैक्सीन लगने के बाद थोड़ा माइल्ड फीवर और जहाँ सुई चुभी है वहाँ थोड़ी स्वेलिंग भी आ सकती है, तो इसमें तनाव में ना आए, घबराएं नहीं, और थोड़ी ठंड और थोड़ी थकान भी महसूस हो सकती है, मांसपेशियों में भी दर्द महसूस हो सकता है, तो इस चीज़ के लिए आप तनावग्रस्त ना हो, तनाव में ना आए, थोड़ा इजीली अपने माइंड को किसी भी तरीके का स्ट्रेस ना लें। वैक्सीन लगने के बाद अगर आप सोचते हैं मुझे वैक्सीन लग गई अब तो मैं आराम से घूम सकता हूँ, मुझे कोविड नहीं होगा, तो ये आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। जब भी कोई वैक्सीन लगती है तो उसके जो इम्यून सिस्टम है वो अपना डेवलप होता है, उसको 3 से 4 हफ्ते करीब करीब, कभी कभी ज़्यादा भी टाइम लग सकता है, हफ्ते भी लग सकते हैं, काफ़ी हफ्ते। तो आप ये ना सोचें कि अब मैं आराम से मुझे कोविड नहीं होगा, आपको तब भी कोविड हो सकता है। और अगर आप ये सोचते हैं कि मेरी एक डोज से ही काम कंप्लीट हो चुका है, तो ये आप गलत सोचते हैं, आपको दोनों वैक्सीन की दोनों डोज लगेगी तभी वैक्सीन काम करेगी और काम तभी अच्छे से करेगी। और अभी तक ये भी प्रूफ नहीं हुआ है कि ये वैक्सीन लगने के बाद आपको कोविड हो सकता है दोबारा या नहीं हो सकता, तो आप फिर भी वैक्सीन लगने के बाद भी आप मास्क जरूर पहनें और हाथों को बार बार धोते रहें और सबसे सोशल डिस्टेंसिंग रखें, सबसे सामाजिक दूरी भी बनाए रखें। अगर आप किसी भी तरीके की बीमारी से एडमिट होकर आए हैं या किसी भी तरीके की बीमारी हुई है आपको, तो आपके उस बीमारी के रिकवर होने के 4 से 8 हफ्ते बाद ही वैक्सीन लगवाना चाहिए आपको। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है और हम अगले वीडियो में आपके लिए खूब अच्छे अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।